हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शशिवाला मैथ मेंटर। मैं 8th क्लास में 14.3 का फोर्थ क्वेश्चन करा रही हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है का फर्स्ट पार्ट हमारे पास 5 × 2x + 1 × 3x + 5 / 2x + 1। अब ये डिवाइड में है तो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 × 2x + 1 × 3x + 5 / 2x + 1। ये से पूरा कैंसिल हो रहा है, 2x + 1 से 2x + 1 कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास क्या बच जाता है 5 × 3x + 5। सेकंड पार्ट 26xy (x + 5, y - 4) / 13xy - 4। यह आ जाएगा 26xy (x + 5, y - 4) / 13xy - 4। ये डिवाइड में तो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 13 × 1 = 32 × 26xx कैंसिल, y - 4 से y - 4 कैंसिल, यह आ जाएगा 2y × x + 5। थर्ड पार्ट हमारे पास 52 PQ R P + Q × Q + R × R + P / (104 PQ Q + R × R + P). 52 PQ R P + Q × R + P ये डिवाइड में है तो इसके डिनोमिनेटर में चला जाए 104 PQ Q + R × R + P। R + P से R + P, Q + R से Q + R, P से P कैंसिल, Q से Q कैंसिल। 51 52 1 2 1/2 P + Q × R यह हमारे पास R बचता है फोर्थ पार्ट। ये हमारे पास आंसर आ गया फोर्थ पार्ट हमारे पास 20y + 4y² + 5y + 3 / 5 × y + 4 20y + 4 × y² + 5y + 3 / 5 × y + 4 5 × 1 = 5, 4 = 4 ये इससे कैंसिल हो जाए y + 4 से y + 4 कैंसिल हो जाएगा। आंसर आ गया हमारे पास 4 × y² + 5y + 3। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स।